तो ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमको लग रहा है पूरे राज्य में चारों तरफ हम लोग को रोका हुआ है और अभी भी हम लोग बैरिकेडिंग में रुका हुआ है। हम लोग अनुशासन के पालन कर रहा हूँ। अगर इस तरह से विधानसभा नहीं जाने दिया जा रहा है, हम लोग अपना हक अधिकार 32 खतियान लागू करने के लिए जो घोषणा किया था राज्य सरकार वही मांग लेने के लिए आया है। अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग भी मरने मिटने के लिए तैयार है। ताकि आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ बेहोश भी हो गए हैं जैसा कि उधर से अब पार होकर के आ रहे थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेहोश होकर पड़े हुए हैं। क्या हुआ इनको? इनको चक्कर मार दिया है तो चक्कर मार के गिर गए हैं। हाँ भूख से गिर गया। भूख से सर, भूख से गिर गया। पाटल से कुलटार से आया। कुलटार पाटल धनबाद देख सकते हैं ये बेहोश हो गए हैं। हालांकि जैसा कि लोग पानी मार रहे हैं हम लोग हरियाणा खड़ा करने नहीं आए भाई, न हम लोग किसी को आपत्ति करने आए हैं। हम लोग तो हमेशा बोले हैं कि हम लोग प्रशासन का, पुलिस का, सब का संविधान करते हैं, लेकिन आज तो दिक्कत हुआ है भाई। और जो है अरे रांची घोषणा से रोकते हैं आप तो झांसी में बैरिकेडिंग हम 180 किलोमीटर दूर लगा दिए थे। मैं प्रशासन की टीम से अनुरोध करूंगा, भले हम लोग खेतों में हैं लेकिन आंदोलन खेतों में खत्म नहीं होगा। आप दिशा बताइए हम लोग को जाना कहाँ है। प्रशासन की टीम से निवेदन होगा कोई यहाँ अपराधी नहीं आया है। आंदोलन खेतों में खत्म नहीं होगा, इसलिए आपसे निवेदन होगा आपने कौन सा रूट बनाया है उस रूट को दिखाइए, हम लोग विधानसभा की ओर जाएंगे। वहाँ अगर आप कुछ रखे हैं 100 मीटर 200 मीटर वहाँ बैरिकेडिंग लगाइए, वहाँ रुकेंगे आपका सम्मान करेंगे लेकिन खेतों में नहीं रुकेंगे। खेतों में नहीं रुकेंगे। किताब के चच रख सुनिए थोड़ा सा, बिल्कुल हम लोग निवेदन कर देंगे, जहां रोकिएगा वहां बैठ जाएंगे। किसी को, हर किसी के हाथ में संविधान की किताब है, हम लोग कोई भी गलत बात ना कहेंगे ना प्रशासन से उलझेंगे। प्रशासन हमें विधानसभा की सड़क पे जय बैरिकेडिंग गाड़ेगी, हम लोग 2 घंटा वहीं रुकेंगे, फिर सर्वसम्मति से सभा का समाप्त किया जाएगा, लेकिन खेत में नहीं।
आप पीट के नौकरी बचा लीजिए, कोई काम नहीं है, लेकिन हम लोग रुकने के लिए नहीं आए हैं। तो अभी आपने देखा, जैसे ही जयराम महतो ने कहा कि हम खेत में रुकने के लिए नहीं आए हैं और सभी आंदोलनकारी अब इस वक्त निकल चुके हैं विधानसभा घेराव करने के लिए, हालांकि पहले ही प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई थी यहीं पे रोकने की, जो आपने कुछ देर पहले देखा कि किस तरह से रस्सी के सहारे पुलिसकर्मियों के द्वारा घेराबंदी की गई थी, लेकिन नहीं रोक पाए यहाँ पे। हालांकि कुछ दूर बढ़ने के बाद जयराम महतो को फिर से डीएसपी रेंज के अधिकारियों के द्वारा रोकने की प्रयास की गई, लेकिन वहां से भी बात करने के बाद जयराम महतो बढ़ गए। लेकिन आगे क्या कुछ होता है उन तस्वीरों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। लगातार हमारी कोशिश है कि हर पहलू से आपको हम अवगत कराएं क्या कुछ हुआ आज दिन भर। विधानसभा के लिए सभी आंदोलनकारी कूच कर गए हैं, जो तस्वीरों में अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा, जयराम महतो आंदोलनकारियों के बीच पहुंच चुके हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आप देख सकते हैं इस वक्त आप अपने आपके स्क्रीन पे जयराम महतो आप देखें आंदोलनकारियों के बीच में। और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक चीज और बता दें, सभी तकरीबन सभी के हाथों में तिरंगा है और संविधान का बुक है। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तो ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जयराम महतो से हम लोग बात ही कर रहे थे तब तक बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और सभी आप आगे बढ़ गए। नहीं चलाता दिखा दूंगा उसका, दे दे सीएम का पद।
चरण महतो को देख के दिखाए चरण महतो को सीएम का पद फिर दिखाएंगे वन लेडीज अनिल कुमार को चला था लाख में तो ऐसे चरण महतो चलागा। अभी आप लोग बढ़ चले हैं, अभी बढ़ेंगे और शांतिपूर्वक से जहां पुलिस बोलेगी वहां काम चलेगा उसका शांतिपूर्वक से। आप देखिए आप यहाँ पे जयराम महतो के द्वारा क्लियर बोला जा रहा है कि हम बैरिकेटिंग नहीं तोड़ेंगे, आप सुन सकते हैं। हालांकि जयराम महतो ने पहले ही आह्वान किया था, आपको फिर से बता दें कि जयराम महतो ने पहले ही अपने फेसबुक पेज से यह आह्वान किया था कि हम कोई भी ऐसे उपद्रव नहीं करेंगे जो प्रशासन के खिलाफ में हम जाएं, और उन्होंने फिर से कह दिया कि हम बैरिकेटिंग तोड़ के नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा बैरिकेटिंग तोड़ा गया था, लेकिन जयराम महतो का कहना है कि हम बैरिकेटिंग तोड़ के आगे नहीं जाएंगे, जो भी आगे बढ़े हैं वो वापस आ जाएं। तो आप सुन सकते हैं साहब जयराम महतो लगातार ये लगातार जयराम महतो कह रहे हैं कि हमें बैरिकेडिंग तोड़ के आगे नहीं जाना है, लगातार कह रहे हैं जयराम महतो। जैसा कि कल हम फेसबुक में आपका देखे कि आपने आह्वान किया था कि कोई भी हम खिलाफ में नहीं जाएंगे, अभी भी बैरिकेडिंग तोड़ा के आप बोल रहे हैं कि सभी वापस आ जाएं, उन्हें पीछे वापस बुला रहे हैं, जो लोग उग रहे हैं उन्हें हम पीछे वापस बुला रहे हैं, हम खेतों के रास्ते से जाएंगे, लेकिन जो प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाया है इससे लांग के नहीं जाएंगे, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, हम खेत से होकर जाएंगे। प्रशासन खेत में बैरिकेडिंग लगाया, हम खेत से जाएंगे, लेकिन हम बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेंगे, बैरिकेडिंग लगाया है हम सम्मान करते हैं, प्रशासन का सम्मान करते हैं, यहाँ बैरिकेडिंग है, नमन जोहर, हम लोग खेत से जाएंगे, बैरिकेडिंग नहीं क्रॉस करेंगे। बिल्कुल आपने सुना अभी इनको जयराम महतो को कि हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, यदि जगह है तो हम खेत की तरफ से जाएंगे, लेकिन बैरिकेडिंग हम नहीं तोड़ेंगे, प्रशासन का सम्मान करते हैं, हम वो काम नहीं करेंगे। तो आप देखें यहाँ बैरिकेडिंग था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसको तोड़ा गया, फिर से जयराम महतो के द्वारा यह रूट चेंज किया गया है। आप देखें खेत के सहारे सभी अब फिर इस रूट को पकड़ लिए हैं जो विधानसभा की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं कि पुलिस हमें रोकेगी तो हम कोई बात नहीं है, हम रुक जाएंगे, लेकिन जगह चेंज करके जाएंगे हम, तो प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, और वो आप देख सकते हैं दूसरे रूट से अब सभी यहां से चल दिए हैं। और यदि कहें तो भारी संख्या में इस वक्त युवा वर्ग के लोग इस समय यहां पहुंचे हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। हम यही कहेंगे झारखंड सरकार से जल्द जल्द 1932 लागू करें, नहीं तो यह भीड़ देख रहे हैं ना, विधानसभा कुछ करने जा रही है, और हम लोग रोड से नहीं, हम लोग जाएंगे अब खेत से, रोड को छोड़ देंगे, खेत से जाएंगे, कहे के झारखंड के पहचान है खेत खलियान, हम लोग रोड छोड़ देंगे, अगर झारखंड सरकार चाहता कि ये उसका रोड है तो हम लोग मेरा खेत है खेत से जाएंगे। अभी क्या जयराम भाई मना किए कि नहीं इधर से नहीं जाना खेत? हाँ खेत से जाएंगे, कहे की हमारा पहचान है खेत खलियान, हम खेत से जाएंगे, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, हम शांतिपूर्वक खेत से जाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी खेत की तरफ से बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, और प्रशासन के द्वारा यहां बैरिकेडिंग किया गया था, तो हालांकि कुछ लोग बैरिकेडिंग को तोड़े थे, लेकिन जयराम महतो ने सीधा कहा कि हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे, और जो बैरिकेडिंग तोड़े थे फिर से वापस आए, और उनके साथ खेत के रास्ते आप देखें फिर से वो आगे बढ़ गए हैं। अब पुलिस आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं यहां से, चलिए देखते हैं आगे आगे और क्या कुछ होता है। तो अभी आपने देखा कि सेकंड बैरिकेटिंग तक क्या कुछ हुआ, लेकिन बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगली खबर को लेकर कि इसके बाद क्या कुछ हुआ और किसने क्या कहा। अब फिर से विधानसभा की तरफ बढ़ गए हैं, बढ़ते हैं आगे तरफ, हम देखते हैं क्या कुछ है तस्वीरें।
उपवास की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।